साथियों नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की यह खास खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर से दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां आज कलेक्ट्रेट परिसर में एक व्यक्ति ने काशीराम कॉलोनी में बिजली कटने और भीषण गर्मी से तंग आकर आत्मघाती कदम उठाने का प्रयास किया है, जिसे बचा लिया गया है। तो वहीं दूसरी खबर जनपद ललितपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर की है, जहां दबंगों से त्रस्त आकर एक महिला ने अपने ऊपर केरोसिन छिड़क कर आग लगाने का प्रयास किया है, जिसे वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बचा लिया है। अब खबर विस्तार से। आज ललितपुर जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में जिला अधिकारी को ज्ञापन देने पहुँचे काशीराम कॉलोनी में निवास करने वाले गरीब एवं मजदूर तबके के लोगों ने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि पिछले दिनों बिजली विभाग द्वारा उनके आवासों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, जिससे इस भीषण गर्मी में उन गरीब मजदूरों के परिवारों का बुरा हाल है। इसी दौरान आवेश में आकर कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटक कर काशीराम कॉलोनी निवासी एक मजदूर ने जान देने का प्रयास किया, तभी उसे वहाँ मौजूद सरकारी कर्मचारियों और पुलिस तथा लोगों द्वारा बचा लिया गया। वहीं दूसरी खबर पुलिस अधीक्षक कार्यालय ललितपुर की है, जहां जमीनी विवाद में न्याय न मिलने से परेशान महिला ने अपने शरीर पर केरोसिन उड़ेल कर आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की है। आपको बताते चलें कि ललितपुर जनपद के तालवहट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तेरई में जमीनी विवाद से पिछले 4 माह से परेशान महिला नंदिनी पत्नी हरप्रसाद कुशवाहा ने पुलिस कार्यशैली से क्षुब्ध होकर शुक्रवार को अपने शरीर पर केरोसिन डालकर आग लगाने का प्रयास किया, जिससे वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया, जिसे पुलिसकर्मियों द्वारा बचा लिया गया। पीड़ित महिला ने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसकी बेशकीमती जमीन शहजाद बांध सड़क किनारे स्थित है, जिस पर दबंग व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित महिला ने पुलिस पर नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए अपने शरीर पर केरोसिन उड़ेल लिया और आग लगाने का प्रयास किया। वहीं मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड ने उक्त महिला को पकड़ लिया। इतने में वहां मौजूद महिला आरक्षी ने मौके पर पहुंचकर महिला को बचा लिया। जब यह जानकारी अपने ऑफिस में बैठे पुलिस अधीक्षक को हुई तो वे बाहर निकल कर आए तथा मौके का जायजा लिया और महिला को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अस्पताल भेजा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। प्रणाली से शुद्ध होकर ये महिला ने अभी आत्मदाह का प्रयास किया है, क्या मामला था सर? उसमें देखिए तरई फाटक थाना तालवेहट का मामला है, जिसमें लोधी और कुशवाहा दो पक्ष हैं। दोनों पक्षों में जमीन है, जमीन को लेकर के विवाद हुआ था, दोनों पक्षों मारपीट हुई थी और अभियोग पंजीकृत किया गया था 25 फरवरी को, लेकिन अब वो गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन अब इस पक्ष का ये है कहना, कुशवाहा पक्ष का भी जो है कि जिसको बताएं उसी की सबकी गिरफ्तारी कर लें, जबकि विवेचना में जो प्रकाश में आएंगे उन्हीं की गिरफ्तारी संभव है। और इसी बात को दबाव बनाने को लेकर वो कप्तान साहब से भी मिली थी, मिल के निकली और कप्तान साहब से वार्ता करने के बाद जब बाहर निकली तो वो जो है अपने साथ में पेट्रोल भी लाई थी और उसको छिड़क के मतलब वह प्रयास कर रही थी कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, और उसको बचा लिया गया है और जो है कपड़े वगैरह बदलवा के फिर उसे पुलिस के साथ भेजा गया। फिर आरोपी जेल गए हैं इस मामले में? हाँ, दो आरोपी जेल गए हैं, लेकिन अब वो जो लोग उसमें प्रकाश में आएंगे और जो नामजद होंगे वही जाएंगे, जबकि ये चाहती हैं हम जिसको कहें वही सारे लोग चले जाएँ, जबकि ये लोग भी मुलजिम हैं, उसमें दोनों पक्ष मुलजिम हैं, तो पुलिस उसमें जो विवेचना पाएगी उन्हीं को जेल गए। इस खबर में बस इतना ही। सकीना को दीजिए इजाजत, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।